शुरुआत और भाई वापस से जस्ट सो के उठा था, मैं उठा ही था, वो भी रिचा की कॉल पे। और रिचा आज जो है वो जा रही है राखी वाखी बनाने के लिए, तो यार बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो यश और रिचा साथ में आ रहे हैं, एक बार उनसे भी मुलाकात हो जाएगी भाई। वो अपनी मेरे लिए रुकी थी यहाँ पे, ठीक है, उसको यश को और उसको दोनों को राखी में घर जाना, बट फिर भी वो लोग वेट कर रहे थे, बाकी मेरे से मिल के जाएंगे। देख रहे हो जो लोग मेरे को कहते हैं कि मैंने करा ही क्या था कॉलेज लाइफ में, भाई मैंने दोस्त कमाए हैं। Hello. You look so homeless. मैं तो हूँ homeless. मेरा Hi yes. ये फिर भी इंसानों जैसा लग रहा, तू ही है homeless. यार ये टी-शर्ट तो चाहिएगी। ये CS वाले नहीं रख सकते, ऐसे डिजाइन वाले पहनने चाहिए ना, ऐसे रंग बिरंगे कपड़े। यार मेरे को कपड़े नहीं मिल पा रहे यार। थोड़ी देर में सांस छोड़ेगी तब पता चलेगा। चल देखते हैं कब तक सांस रोकेगी, खाएगी तो बोल रहा है बेचा रही है वो, तुम्हें क्या पता यार, मेरे माथे में बीचों बीच में बिंदी लग गई यार। तुम्हें पता है मैं लास्ट कब नहाया था, 4 बजे आने से पहले परसों, उसके बाद से मुझे नहाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे तो सुबह लगा कि तुम नहा के आए हो। चल सो के उठा था, उससे पहले तो ब्रश भी नहीं किया था मैंने, आते आते रास्ते में गया। हाँ ऐसा ही है ना, एकदम उठते साथ ही आ गया। ओके रिचा, अब आप कब मिलने वाले हो हमसे? मैं नहीं मिलूंगा ना, मैं तो पूछ रहा हूँ मिलोगे, फ्यूचर सोच है मेरी। यस से, यस तेरे से तो और ज़्यादा मुश्किल है भाई। मैं तो कह रहा हूँ दिसंबर में एक ट्रिप बना लेते हैं लंबी वाली। खत्म नहीं होती रही अब तक। कौन सा वाला? एक ट्रिप बना लेते हैं, पांच और एक ट्रिप बना लेते हैं। तो एक ट्रिप में हमने कितनी मार ली एक करते करते भाई साहब। पिछले दिसंबर से ये दिसंबर आ गया, पिछले बार शिमला जाएंगे, जुमला शिमला जाके नैनीताल नहीं गए थे उसके बाद हम। अबे वो तो अक्टूबर में गए थे। अरे तेरा बर्थडे भी तो आ रहा है, गूगल पे कर दियो, उत्कर्ष से करवाया था मैंने तेरे बेस्ट फ्रेंड से। उत्कर्ष तो किस किस का बेस्ट फ्रेंड नहीं है, एक उत्कर्ष की बेस्ट फ्रेंड से मैं मिलके भी आया हूँ। एक ही रहना तो उसकी तो फुटेज भी है मेरे पास, स्पेशल उत्कर्ष के लिए रिकॉर्ड की थी हमने, भेजूंगा उसे साड़े को मिल गए। बाय 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 बाय, ध्यान रखो आप। तो तुमने मेरे को किस करिए मैं याद रखूंगा। चलो चलो ओके, पहुँच के बताना, पहुँच के बताना। चलो यार इनका भी सी ऑफ हो चुका है और अब आप निकल रहे घर की तरफ। अभी तो जाके मुझे नहाना है, उससे ज़्यादा जरूर तो ब्रश करना है गाइस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थोड़ा सा सोना भी है। आज धरनों की भी सफाई होनी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इतने ज़्यादा धूल मिट्टी में हो चुकी है ना बाहर खड़े खड़े। चलो यार पहले एक बार रुक के ना मेरे को अपना ये ब्लूटूथ पेयर करना पड़ेगा, जब से मैं आया हूँ इसमें गाने नहीं बज रहे, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और बेस ट्यूब भी निकाल रखी है मैंने, वो भी दोबारा से अटैच करनी पड़ेगी, तब तुम्हें वापस से अपने डुपचिक डुपचिक गाने सुनाता हूँ। तो भाई घर आया, गाड़ी छोड़ी, स्कूटी उठाई और अब जाके मिल जाता हूँ शोएब से। कल मैं उसकी शॉप पे गया तो था काम निपटाने पर, अरे कल मैं गया था उसकी शॉप पे फ़ोन वगैरह लेने, बट शोएब तो था नहीं तो उससे मेरी मुलाकात हो नहीं पाई। और भी दो तीन स्पीकर वगैरह हैं जो मेरे को अपने साथ लेके जाते थे, उसमें ना छोटी छोटी सी कुछ 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 प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी सारा दिखा के ठीक करवा लूँगा। लड़का हमारा अच्छा है, सारा काम कर देता है हमारा बिना किसी रोना धोना मचाए। धोखेबाज आदमी तुम भी, धोखेबाज आदमी। एक्सक्यूज मी, क्या 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 रेट होता है? कैसे हो सागर भाई, लगाने स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कैसे करवाओगे। हां भाई सीपी वाले बड़े भैया क्या हाल है? बैक पैनल भी भाई इस कबाड़ को फोड़ पहले तुम। कबाड़ नहीं भाई, बटन नहीं चल रहा है इसका भाई। 8 लाख। अब बोलो हेलो, अब बोलो हेलो 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 हेलो। टाटा टाटा, गेट बंद कर देना जब जाओगे अच्छे से, ठीक है? फिर अपना आज का सीन है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर पे, देख जाओ मैंने, हम जा रहे हैं बाहर पे पिक्चर देखने,
कौन सी? MG2 गाइस, ठीक है। और एज यूजुअल हम लोग ऑलरेडी 20 मिनट से लेट है, मतलब हमें 20 मिनट पहले निकल जाना चाहिए था, वो अभी भी नहीं आने की, पता नहीं हमें साल लेट कर एंड में ही काम है, जल्दी से पता है टाइम का। डैडी मम्मी को डांट रहे हैं गाइस, टाइम तो नहीं लगेगा, हम आए थे तुम आओ, उससे क्या हो जाएगा। मम्मी अंजू वाले बच्चों से बात करने लगी, निकलते निकलते ना और बच्चे भी आ गए थे तो उनसे कुछ बातचीत चल रही है यहाँ पे। टन 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 इसे मेरे को धोना तैयार, बट मैं धो नहीं पाया, बट कोई बात नहीं, आके इसकी अच्छे से सर्विसिंग करवा देंगे शाम को या कल में, अभी तो चलते हैं, अभी ज़्यादा लेट हो गए। मम्मी अभी भी नहीं आई, डैडी मम्मी का वेट करते हुए एकदम गुस्से में। गाइस धुन की बारिश भी देख सकते हैं हम लोग, फाइनली हमको मिल चुकी है। अबे यार ये टिकट भी तो काटेगा। अरे यहाँ मेरे 200 रुपये, मम्मी आपने मेरे पैसे चुरा लिए ना मम्मी, एक सेकंड, आपने मेरे पैसे चुरा लिए ना, कितनी चटक हो मम्मी आप, कितनी गोली की रफ्तार से मम्मी ने पैसे चुराए हैं। आपके पापा ने नहीं दिए थे, मेरे पापा ने दिए थे, भाई साहब। चलो भाई अस्सी पहुंच गए हैं सिल्वर सिटी बीच, और मुझे याद भी नहीं है मैं कितने सालों के बाद आ रहा हूँ सिल्वर सिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे आना ही छोड़ दिया था। ओह बहुत पहले भी कहा, मतलब बहुत सालों पहले आए थे हम, अब इसके बाद से तो हमने यहाँ पे आना छोड़ दिया था। हाँ छोटा नहीं था, ये इतना ही बड़ा है, आगे गंवारों वाली बातें करनी। हाँ अरे मैं छोटा था तब, तू तो बालक थी तब। हाँ अब तो बड़ी होली, बिल्लो बगे बिल्ले आगा की करेंगे, बगे बगे बिल्ले आगा की करेंगे। अरे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, यही है मेरा आंसर। नहीं अरे यार ये तो नीचे वाली पार्किंग में डलवा रहा, ले बताओ यार, इतना पैसा देके भी अगर हमें छुप के खड़ा होना पड़े तब तो क्या फायदा। देखते हैं, ऊपर जाना पड़ेगा, भयंकर मैंने प्रेसिंग करी है, बालों में खराब जाएगी यार। मूवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए इस लड़की ने कम से कम आधे घंटे का मेकअप किया है। ऑफ द कैमरा भी मैंने बोला, इसने कहा नहीं मैं ऐसी हूँ, मैं यू 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 करती हूँ और उसमें कर देती हूँ। देखा, अच्छा मैं रुक जाऊंगा तो बाल, भाई साहब एक तो मर्द पैदा हो रखा लड़की के भेस में, सुरपनखा कहीं की, उसके बाद अभी मैंने कहा सीरियस मानते हैं नहीं, ऐसे ऐसे करके लगाऊंगी। हाँ तो इसे सुरपनखा कह देना भाई, और क्या चाहिए हमें, भगवान जी है। इतना हंसने वाली कोई बात नहीं, बेचारी एक फालतू, एक फालतू सी लड़की कह रहा, एक बेचारी बच्ची की बेइज्जती कर रही जो है। सच मेरे में मैं तो जानता भी ना अच्छे से। हाँ ठीक है यार, तो यहाँ आ चुके हैं और मम्मा लोग हमने बीच में उतार देते ताकि भीगे भीगे ना वो लोग, तो बेचारे मेरे शरीफ लोग कैसे खड़े हैं यहाँ पर शरीफों की तरह। चलो भाई चलो, क्या डैडी सीढ़ी चढ़ेंगे ना? हाँ आप और डैडी सीढ़ी चढ़ेंगे, क्या फिर एक वीडियो बना रहे ना? नहीं फिर ऊपर तुम भी आ जाना सीढ़ी चढ़। चलो पहले हम चले जाए फिर। नहीं ऊपर से बना देना, चलो 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 ना आप लोग चल जा बढ़ जा। ने बहुत देर वेट किया, जैसे वो लोग चढ़े ना उससे पहले खाली था, सुनान साहब ऊपर भेज दिया और उसी टाइम पे हमारी सारी भीड़ खत्म हो गई। पर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने देखी गर्ल्स में भी चढ़ गया। गाइस हमें यहाँ पे पता चला है OMG2 जो है वो 18 प्लस है, इसे निकालना है ना, फिर 2 साल बाद आएगी है। चल 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 इसे बाहर, OMG5 देखना है अभी, बाहर चल 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 चल, टाइम नहीं है इतना, मत कर क्या होता है, अभी हुई नहीं 18 की, आ गई यहाँ पे बाहर। और सुनो अगर उस पिक्चर में जहाँ गाली आई वहाँ गुड्डा के छपाता है, बोले हमने तो मना किया था। ठीक है जितनी बार आई, जितनी बार कोई अप शब्द का प्रयोग है उतनी बार थप्पड़। हाँ नहीं तो यहाँ पर डक वॉक करके दिखा सबके आगे अपने, जल्दी जा डक वॉक, चलो 1 2 अरे हमारी हमारी की बेइज्जती करवा, नहीं 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 हमें बेइज्जती नहीं करवानी, चल तेरी ऑलरेडी बहुत गिरी चुड़ी बेइज्जती, थोड़ी बहुत तो तेरी वैसे भी खराब है, क्योंकि मैं भी मूवी तो खत्म हो चुकी है। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान अभी अभी पॉप्स?
मुझे क्या पता, मेरे को जो पता था मैंने तब समझा भी। ये मूवी का प्लान भी मेरा था वैसे तो। तो अभी घर जाना है या कहीं और जाना है ये बता दो बस। रिव्यू हाँ मम्मा, आप रिव्यू दे दो। पहली बात तो किसी को पता ही नहीं हमने देखी कौन सी। गाइस हमने OMG 2 देखी जो टैबू टॉपिक के ऊपर था, सेक्स एजुकेशन। नहीं ना कुछ ना है। तो अब बताओ मूवी देख के आप लोगों को क्या लगा, आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ओवरऑल? हमें क्या लगा, हमने तो जहाँ पे लेसन देखा वो अपनी तरफ से फिर भी मतलब अपने बच्चों को थोड़ा बहुत तो बताने की कोशिश करी है, पर बच्चे इतने तेज है पता रहता सब कुछ। पर ये कि हाँ, सेक्स एजुकेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स में भी चैप्टर होता है ना, वो स्किप कर दिया जाता है। क्या बताओगी, नहीं आप तो पता कैसे चलेगा किसी को। हमारे टाइम एसी की चला रहा पे भी स्किप कर दिया था चैप्टर। चैप्टर स्किप नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा डर लगता है पढ़ना ही मरोड़वा देते हैं टीचर, फोल्ड करवा देते हैं। हाँ ये चीज सही है, क्लियर बात होनी चाहिए। आपको याद है मम्मा हमारी एक बायो की टीचर थी वीना मैम करके? हाँ हाँ हाँ, मेरे टच में है वो तो। अभी भी है? एक बार की बात है, क्लास की बात होगी, ये 8th या 9th की बात है हमारी। अच्छा उधर से है ना, हाँ 8th या 9th की बात है हमारी। तो एक बार हम क्लास में बैठते ऐसी, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ना एक टॉपिक आया जहाँ पे शावेज, याद है आपको शावेज? हाँ हाँ समझ गया मैं। तो शावेज ने मैम को बोला कि छी ये क्या गंदी गंदी हरकतें करते थे पहले के लोग। तो फिर विना मैम का एक डायलॉग था जो अभी भी हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, जो बहुत चला था, कि अगर ये गंदी हरकतें ना हुई होती तो आज तू भी पैदा ना हुआ होता। तो शावेज ने बोला कि हमारे धर्म में तो ये चीज़ हराम है, है ना। तो फिर उसी हाँ, तो वही चीज़ फिर मैम ने बोली कि अगर ये हराम होता तो तू कभी पैदा ना हुआ होता। तो हाँ ये बात है कि वो चीज़ को लेकर ना लोगों की सोच अभी भी टैबो है, तो वो चीज़ थोड़ी निकल के आनी चाहिए। दूसरी बात पता तो होनी चाहिए वो हर किसी को। हाँ और वो भी है कि जैसे हम लोगों ने जब रिसर्च की थी, मेरे को याद अभी वसुंधरा और मैं गए थे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, तो हम जहाँ पे गए वहाँ पे आंटी, उनके दो दो तीन तीन बच्चे हैं, पर उनको कुछ नहीं पता किसी को भी। और लोग कैसे जानते हैं वहाँ पे, जब हमने बात किया कि चाची ने बता दिया, दादी ने बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो अगर उनको एक प्रॉपर वे में वो चीज़ें पता होती तो हर चीज़ प्रॉपरली होती। अब कोई किसी चीज़ का अवेयर नहीं है, बस उनको ये पता है कि भाई बेबीज करने हैं और हो गया। जैसे मुझे कहा था फूल के ऊपर मिला था, फूल के ऊपर तो मिला था हमें। मैं तुम दोनों का फैक्ट बताऊं? हाँ। हम दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन इस बारे में हम दोनों को नहीं पता था। अच्छा मतलब इस बारे में डैडी तो चलो लड़के क्या पता आइडिया भी हो, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी कभी किसी से बात हो ही नहीं सकती थी इस बारे में, मम्मी से भी नहीं, भाभियों से भी नहीं, तो कभी बात ही नहीं हुई थी, फ्रेंड्स मेरी ऐसी कोई थी। पर होना चाहिए इस चीज के ऊपर बात, मतलब एक ओपन तरीके से स्कूल्स में या कहीं ना कहीं होना चाहिए। अरे हमारे उसमें ना तो मोबाइल था ना यूट्यूब ना कुछ भी, हाँ सेंटीरो ही चल लेते हैं। हाथी बड़कला नीचे से वो वाला चौक का है, दिलाराम उधर ना पीछे की तरफ। ऐसी हमारे ऑफिस की पार्किंग है, पता है कैसी? ग्राउंड फ्लोर से बाइक की पार्किंग में चढ़ो तो सेकंड फ्लोर पे निकलती है, और फर्स्ट फ्लोर में हमारा कैफेटेरिया है, एक सीधा स्किप। भाई साहब नहीं भी तो हमें कम से कम 20 से 25 मिनट से पार्किंग में गाड़ी लगाने के लगते हो गया। आओ इधर है, हाँ इधर है एक्सकलेटर। भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब मैं बताऊँ हमने B3 में गाड़ी लगाई है, और सबसे ऊपर मेन फ्लोर की पार्किंग, देन B1 B2 B3 में तब आई, और इसमें भी कितना रश है दिखाऊँ, अभी एक जगह खाली सारे में गाड़ी लगी, मतलब यहाँ ना मिलती तो हमें सीधा B4 पे जाना पड़ता एकदम नीचे पे। ठीक है अब यहाँ से चल रहे हॉल में एंट्री करनी है। मम्मा लोगों की फ़ोटो खींच दे, मैं तो अपनी खींच लूँ पहले। देखो क्या अच्छा। पंक अच्छा, ये वो हो गया लूसीफर वाली, वो पूरी सच कर रहे हैं दोनों के दोनों। देखो इन्हें, मम्मी ने अपने जैसा ही उठाया बिल्कुल हाथी। ठीक है मम्मी देखना क्या चाह रही है? हम आप देख क्या रही हो? मुझे लगा इसका जेंडर देख रही हूँ मम्मी, ये हाथी है हाथनी है बात। अरे सॉफ्ट है यार, सुंदर है हाथी हाथनी, पता नहीं चल रही जो
एग्जांपल दिखाओ वीडियो एक्स का। देखो यहाँ पे जो है ना पार्क एवेन्यू का वो है शोरूम, और नीचे पे इन्होंने कोर्ट खड़े हुए कुछ लोग इकट्ठे करके खड़े कर रखे एकदम अपने शोरूम के बाहर पे। तो दिस इज सच ए गुड एग्जांपल ऑफ यूएक्स, मतलब उनकी मार्केटिंग की वो तरीका देखा कितना तगड़ा है, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे से ही वो है। और दूसरा के तरीके से मैं शायान और आदित्य को चिढ़ा सकता हूँ इस नाम से। ढाई महीना हो गया मैं इस पर प्रोजेक्ट करते करते और वो बाटा खत्म नहीं हो गया आ रहा, और वो जैसे ही बाटा का नाम आता है इतना सरदर्दी हो जाती है बताइए क्या। ये वो है रानी जोधाबाई, तो कपड़े भी वैसे रानी से है ना, जोधाबाई अकबर वाली हैं ये, तो वैसे बैठी हैं। ये जाट नहीं है, जाट नहीं है, हैं जाट। मैं रिकॉर्ड करने वाला था मैंने छोड़ दिया, मैं कहना ज़्यादा हो जाएगा फिर तो, अगर इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो हैं। हाँ यार हड्डी वाल कुत्ता है क्या, क्या हो गया मम्मी ऐसी है, मम्मी क्या कर सकते हैं। गुड्डा गुड्डा भी ऐसी है, ये बढ़िया लग रहा है यार मुझे, ये देखो बिल्कुल इन्होंने उस हिसाब से बना रखा है ये, जैसे कि ट्रैवलिंग व्रैवलिंग के हिसाब से, ट्रैक के हिसाब से जैसे वो होता है ना। एक यहाँ का थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लग रहा है भाई, भाई बहन रक्षाबंधन, मैं क्यों जाऊँ मतलब यार, नहीं नहीं हमें तो उधर जाना है B2 में नीचे, इधर लिफ्ट की साइड चलो, बट ये अलग सुंदर रहा है नो डाउट। ये रक्षाबंधन में मेरा कबाड़ गया इधर, ओ माय गॉड ट्रू लव, चल बे निकल। वही तो मैं कह रहा हूँ मम्मा इस स्टोर में आता है लेना, मम्मी ने कुछ नहीं है। ओहो यार खुशबू तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, है ना टेस्टी सी, ऐसा मन कर रहा साबुन ही खा जाऊँ। हाँ तो टेस्टी सी, बिन शॉपिंग करेगा एकदम बाहर आ गए हैं। एक परफ्यूम लिया मम्मी ने, वो भी वहाँ से जहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी कि मम्मा कुछ लेंगी, पैदा तो हम इंसान करना चाह रहे थे, छपरी पैदा हो गया, हम क्या करें देखो। बट मेरा पर्सनल ऐसा है कि मेरे को ब्लैक से ज़्यादा अच्छी ना ये चॉकलेट ब्राउन कलर में लगती है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ब्लैक से ज़्यादा अच्छी थार चॉकलेट ब्राउन कलर में लगती है। सुनान सर व्हाट आर योर व्यूज, कोई सी भी हो। लड़ाई हो गई गाइस यहाँ पे बहुत भयंकर सी, एकदम हाथापाई वाली, वो एक दूसरे की गाड़ियों में लात भी मार रहे हैं। हाँ वो एक का एक्सीडेंट सा होगा कुछ, फिर अब उसकी में हाथ पैर मार रहे हो। सोनांचा से बड़ा कुत्ता देख लो भाई, सोनांचा के साइज से बड़ा कुत्ता था ये। पर एक सेकंड रुको, हम भी घुमा सकते हैं, चल बे। सर हमने खा लिया बन टिक्की, बन टिक्की बहुत दिनों के बाद बंद देख के भाई मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है, इतने दिनों के बाद बंद और बन टिक्की खाने को मिली है कि क्या बताऊँ। बाकी अभी प्लान हुआ है कि सोनांचा से मैंने करानी है ऑयलिंग अपनी पूरी अच्छे से एकदम भर भर के। गाइस अच्छी पहुंच गए हैं घर विच, अरे कीचड़ हो रहा है यार इधर पे, कोई बात नहीं अब क्या कर सकते हैं, आका रुक जाओ आराम से गिरना मत, चलो 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 पूरे में कीचड़ कीचड़ है। एक्चुअली द सीन इज कि जहाँ पे हम लोग गाड़ी लगाते हैं ना वहाँ पे अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बंबू वम्बू लगे हैं, पर अगर इसने पीछे करी ना ये गाड़ी में ना मार दे, इंसानों की तरह उठानी चाहिए ऐसे गाड़ी। हाँ तो वहाँ पे कुछ ऐसे बंबू वम्बू लगे हैं तो हम वहाँ पे नहीं खड़ी कर सकते करके आगे पे प्लास्टर के हैं क्या यहाँ कहता हूँ। हाँ तो मैं भी तो यहीं लगा रहा था, आपने बाद में मना किया ना, मैं यहाँ नहीं मैं इन दोनों के बीच में लगा रहा था। हाँ तो वो सीधी गाड़ी में ये है ना कोई यहाँ से आए अपने ध्यान में मार दे, इसलिए मैं बीच में लगाना प्रीफर करता हूँ।